sometimes it's not about the superpowers sometimes it's not about belgium france or england or spain but most of the times it is about the lowlies the surprise entries or might you call it the dark horses and sometimes it's about the hard workers and the smart workers just like 2014 greece like 2016 portugal in which Uno teen three draws group stage and they end up winning the euros right so in this video we are going talk about five वो पांच डार्क हॉर्सेस कौन सी हैं इस यूरो में ठीक है यूरो 2020 होने वाला है एंड इट्स गन बी ह्यूज सो हम इस वीडियो में ध्यान देंगे उन उन छोटी टीमों पे जो कि रैली में बड़ा काम कर सकती हैं सो गाइस लेट्स बी गन रेड बट बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन इट्स अ वेरी ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप टू हैव इन योर फोन आई रिकमेंड इट पर्सनली आई यूज़ इट एवरी डे इन विच यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट डिटेल्स अबाउट योर क्लब योर राइवल क्लब यू कैन गेट टू नो अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन विद द

सेट की यहां या टॉप फिनिश कर सकते हैं तो अगर स्पेन को किनारे करे तो वी हैव हाँ पोलैंड जो कि एक फैंटास्टिक टीम है लेड बाय हुएल्स बट The probable Ballon d'Or winner Robert Lewandowski, right? But it's surely not only about Robert Lewandowski in this team. This team is a proper blend of experience and the youth, and there are many players whose names you already know, like, Sensni, who is Juventus' is like goalkeeper, Napoli's Zelinski, who is linked with Liverpool. Liverpool, guys, happy. Nice. And Christoph Paitek is out. He is a very terrific attacker from Hartha Berlin, and Arakadus Milik, the striker of. पोली तो पोलैंड एक काफी तगड़ा ग्रुप है बट डेफिनेटली एवरीथिंग विल fall अगेन ऑन सबको पता है रॉबर्ट लेबान्डोज की एंड ईज काइंड ऑफ अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर अलॉन्ग विथ डेविड कॉसनेकी बिकॉज ही हेल्प ड्यूसल डॉस सर्वाइव इन द बुंदस लीगा बाय स्कोरिंग सेवन गोल्स एंड फाइव वर्सेज ट्वेंटी सेवन गेम्स तो एक अच्छा प्लेयर यहाँ पे है एंड कार्ल स्विजर्स की तो दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि एक यू नो सेपरेट एक बहुत अलग एंटिटी के प्लेयर्स है जो कि अचानक से नो हेल्प कर सकते हैं टीम को एंड ऑब्वियसली बिग नेम्स प्रोवाइड द लिफ्ट बट ये जो छोटे प्लेयर्स है जैसे कि ये बंदा है कैरल ये पोलैंड का अंडर 18 प्लेयर था एंड ही स्कोर्ड नाइन गोल्स एंड सेवन असिस्ट दिस सीजन तो एक यंग स्ट्राइकर है काइंड ऑफ अ सेकेंड स्ट्राइकर रोल खेलता है एंड ही कुड बी अ वेरी गुड हेल्प अलॉन्ग विथ रॉबर्ट लिमांडोज की तो एक पोलैंड की टीम है इसको बिल्कुल ध्यान रखना होगा ग्रुप ई में ये स्पेन के अलावा क्वालिफाई करने के बेस्ट चांसेस रखती है गाइस सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मैं सेम ग्रुप की बात करने वाला हूँ ग्रुप ई की बात करने वाला उसकी टीम है स्वीडन अगेन दे हैव वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफिकेशन बट भट बट गाई ज्लाटान इब्रामोविक नहीं है ही इज़ आउट बट बंदे ने रिटायरमेंट से वापस आके यू नो ही वॉन्टेड टू प्ले फर्ट फ्रीडम बट नी इंजरी ने उसको रूल आउट कर दिया स्टिल एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्लाटान बिकॉज उसके ना रहते भी ये टीम बहुत ही सॉलिड है विद अ परफेक्ट ब्लैंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ अगेन कोच इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड इसमें प्लेयर्स का भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एवर्टन तो का गोलकीपर रॉबिन ओल्सन मैन यूनाइटेड का डिफेंडर विक्टर लिडोलॉफ है यहाँ पे एमिल फोर्सबर्ग जो मिडफील्डर है आरबी लाइफ जे का वन ऑफ the world's best attacking midfielder again we have a very high prospect in juventus डेयान कुलिसकी सबको पता है डेयान कुलिस का ये सीजन है उसने कई सारे गोल मारे हैं एंड को बहुत ही क्रूशल मौकों पे हेल्प किया है जहां पे क्रिस्टियानो काम नहीं कर पाया अगेन अगेन एंड एक बंदा है अलेक्सांडर ईसाक ऑफ रियालो सी वेरी टेरिफिक स्ट्राइकर वेरी लिथिल वेरी मोबाइल ट्स ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द लालीगा एंड बार्सलोना की नजरें इस पर गड़ी हुई थी एंड आई डेफिनेटली फील की कुछ टाइम आगे तक दिस गाय विल बी गेटिंग ह्यूज तो स्वीडन की अगर बात किया जाए तो दिसेंट रन इन ट्वेंटी

दे कैन कम आउट टू बी डार्क हॉर्स एंड सरप्राइज कर सकते हैं रीच दॉकआउट नॉक आउट भी हो सकता है इस मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ दो तरीके की टीम होती है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीती है पहले वो टीम होती है जो कि एक कोसिव यूनिट की तरह खेलती है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद प्रॉपर टैक्टिक्स के साथ एंड एक परफेक्ट गेम प्लान के साथ जैसे कि स्पेन 2010 वर्ल्ड कप वाली जैसे कि जर्मनी 2014 वाली एंड जो कुछ अलग तरह की टीम होती है जो सेकंड टाइप की होती है वो होती है जो कि एक डिफेंसिव रिजोल्यूट यूनिट होती है एंड दे ग्राइंड देयर वे थ्रू दूर्नामेंट एंड एंड जैसे कि पोर्टुगल कह सकते हो तो ट्वेंटी की जैसे कि ग्रीस कह सकते हो टू की तो ये कुछ टीम होती है एंड उनमें से इन दोनों का ही मिक्सचर है एंड दैट इज यूक्रेन सो यूक्रेन प्लेज इन ग्रुप जिसमें कि ऑस्ट्रिया है नीदरलैंड है नॉर्थ मैकेडोनिया है एंड अगर हम एज्यूम कर लें किस

रोमचो ठीक है जिसने गोल एंड छह सीजन ट्वेंटी मिलान भी खेल चुका है चेल्सी भी खेल चुका है एंड गायरी टेरिफिक्वेंटी एटीन वर्ल्ड कप ठीक है बट you know, kind of uh, उसके बाद से

सेकेंड टाइप ऑफ अ टीम जो कि ग्राइंड कर सकती है द वे इनका वर्ल्ड कप 2018 का जो स्टिट था काफी टेरिफिक था द डिफीटेड स्पेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑन पेनाल्टीज बट दे वर नॉक्ड आउट बाय क्रोएशिया हुआ इन ट फाइनल्स, बट सिंस देन दे हैव इम्प्रूव द दे आर वेरी वेल ऑर्गनाइज डिफेंसिव यूनिट who have very big big players if you see they have Yuri Zirkov who is their 37 year old left back hai from Zenit St. Petersburg Pridur Kudrashov who is 34 year old Turkish club ka centre back hai, and recently we injured hai, and along with 30 year old CSKA Moscow right back Mario Fernandez. Ye jo milke, who is their defensive unit hai, they have conceded just one goal in the 10 qualifiers of the Euros and they, they, these guys these guys have racked up 8 wins in the 10 qualifiers that they have played and you know दिस गाइज इन द बैग प्ले लाइक वेटरन एंड अपटॉप दे आर यंग दे आर सो टैलेंटेड तुम देख सकते हो कि अपटॉप दे हैव दे वेटरन इन जुबा जो कि इसका टावरिंग प्रेजेंस रहता है इज वेरी गुड इन एयर एंड ऑल एंड डेनिस चेरिशियव है ठीक है एंड अलेगजांडर गोलुविन ए एस मोनाको काफी काफी टेरिफिक प्लेयर है सो द थिंग इज दैट द्ले मतलब एकदम करेजियस करेजियस काफ फुटबॉल डिफेंस पे एक you know, वेटर की तरह फाइट करेंगे खून पीसीना बहा देंगे दिल ग्रैंड वेट थोड़ा सा फिजिकल गेम खेलते बिकॉज दे हैव गॉट सच काइंड ऑफ प्लेयर्स बट अटैक पे देर वेरी फ्लूड चेरी शेफ हम सबको पता है कि बहुत ही तगड़ा प्लेयर है वर्ल्ड कप का इसके कुछ गोल्स थे जो उसने यू नो आउटसाइड वॉलीज मारी थी दे वॉज जस्ट अ ब्लिस टू वॉ तो भाई रशिया को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना होगा ये ग्रुप काफी टफ है इसमें डेनमार्क भी है जिसको मैं चाहता था यहाँ पे रखूँ बट आई थॉट रशिया वुड बी बेटर ऑप्शन सो लास्ट टीम पे मूव करते हैं सो टर्की इज द फाइनल चॉइस फॉर मी दू आर लाइंड अप इन ग्रुप ए जिसमें कि इटली है स्विटरलैंड है एंड वेल्स है ठीक है दे हैवे वेरी गुड चांस ऑफ मैं तो कह सकता हूँ सबसे प्रोबली द बेस्ट चांस ऑफ क्वालिफाइंग इवन ए ऑफ इटली

टर्की नेशनल टीम के जो सारे प्लेयर्स हैं दे आर प्लेइंग इन यूरोप टॉप फाइव लीग्स मेजरली अगर हम देखें तो लिल के कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि सबको पता है कि बूरक यल है जो इनका प्लेयर है फैंटास्टिक वेटर है ठीक है थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड स्टिल स्कोरिंग गोल्स एंड गिविंग फाइव असिस्ट इन लीग ओन ठीक है लेटली अभी कुछ दिन पहले तक ही हैड वेस्ट टर्निंग हैट्रिक अगेंस्ट नीदरलैंड जहां पर उन्होंने थ्री uh, टू हराया था उनको उसके बाद अगर देखो आप तो uh, जैकी सेलिक है जिनका राइडबैक है ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड राइड बैक ऑफ लिल ही ऑल्सो हैड अ फैटास्टिक Uh, बाकी उसके से इनका एक प्ले मेकर ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड जो बंदा है सेवन गोल्स एंड फोर असिस्ट दिस सीजन तो लिल के ये सारे प्लेयर्स हैं, दे वन द लीग ओन तो काफी हाई एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं यहाँ पे काफी अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं बाकी अगर प्रीमियर लीग में आप देखो तो लेस्टर का कैगलार सोयचू ठीक है बहुत ही टेरेफिक टेरेफिक बंदा ये चिंग इज ओंडर ठीक है ये दोनों एफ ए कप जीत चुके हैं ठीक है एंड दे हैव ऑल्सो प्लेड एट द टॉप लेवल उसके पास अगर आप देखो तो यू सी एल पे भी खेलने वाले लोग यहाँ पे हैं इंक्लूडिंग लिवरपूल के ओजान कबाक हु इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर ठीक है वी ऑल्सो हैव इन एस उनियाल ट्वेंटी फोर ईयर अटैकर फ्रॉम हिताफे एंड सबसे बेस्ट जो इनका बंदा है टुर्की का एंड दैट इज हकान चालान नो ग्लू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स बिकॉज इसका फ्लेयर है बंदे का फ्री किक्स है बंदे की असिस्ट करता है ड्राइव करता है प्रोग्रेसिव रन देता है दिस गाय इज़ सो ब्रिलियंट बैलेंस टीम है इनकी ना उनके डिफेंस में भी आप उसके पास मेरी डिमारल पड़ रखा है इनके पास एंड फिर ओके okay, यूकू है यहाँ पे स्टियम ऑफ वेस्ट ब्रॉम्बे तो काफी टेरिफिक टीम है इनकी हर प्लेस में यहाँ पे इनके पास फाइटर्स पड़े हुए हैं एंड टर्की को हमें पता है कि डोंट प्ले बेस्ट फुटबॉल इनका कोच जो था वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे दे जस्ट कंसिडर थ्री गोल्स इन द टेन क्वालिफाइंग मैच उसके बाद से बचे हुए ग्यारह मैच में यू नो दे कंसिडर नाइनटीन गोल्स तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन राउंड चला है टर्की पे बट आई पुट माई मनी ऑन टर्की इफ दे वर्ट टू वन दू रोज ठीक है तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द बिग टीम्स मैं टर्की को कहूँगा दे आर द डार्केस्ट ऑफ द डार्क हॉस अगेन वील हैव टू लुक आउट फॉर देम गाइज सो so गाइज साथ ही साथ मैं कुछ और टीमों का नाम लेना चाहूंगा जैसे कि डेनमार्क है डेनमार्क के भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स है ठीक है एरिक्सन एंड ऑल है हु कैन आल्सो चैलेंज फॉर दिस दिस यूरो बट मुझे नहीं लगता कि वो उतना आगे जाएंगे बिकॉज उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है पास्ट हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं रही है बाकी एक और टीम है जिसको मैं अंडर डॉग्स कहूँ ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि उनको मैं डार्क हॉर्स कहूँ एंड दैट इज इटली ठीक है इटली की भी काफी तगड़ी टीम है इटली के होल टीम का रिव्यू है चैनल पर सो so मैं यहां पर बात नहीं करने वाला हूँ सगाईज दैट वॉज ऑल माई टॉप फाइव टीम्स जिनको मुझे लगता है कि यूरो में बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देगी हम ट्राई करेंगे इनके मैचेज मिस ना करें राइट सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से आई होप कि आपको, आपको और नॉलेज बढ़ी यूरोज के बारे में बिकॉज हम बड़ी बड़ी टीमों के बारे में तो डेफिनेटली बात करते रहते हैं एंड बहुत सारी रिसर्च लगी इस वीडियो में डेफिनेटली आप जैसा देख सकते हो एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सिमिलर कंटेंट अगर आपको देखना है आपको फुटबॉल के बारे में सीखना है सो वी डू दैट ओवर हेयर एंड गाइज आई थिंक दैट इज ऑल अप फॉर दिस वीडियो एंड आल सी यू गाइज वेरी सून अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट